WHO की तरफ से मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करते ही देश की राजधानी दिल्ली में इस बीमारी का पहला केस सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 34 साल के संक्रमित व्यक्ति की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। संक्रमित को बुखार और स्किन पर छाले होने के बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। भारत में इससे पहले मंकी पॉक्स के 3 और मामले सामने आ चुके हैं। तीनों मामले केरल में ही मिले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक संक्रमित ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक पार्टी अटेंड की थी। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर करीब 3 दिन पहले उन्हें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनका सैंपल 23 जुलाई को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV पुणे भेजा गया, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल संक्रमित की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इससे पहले 23 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। WHO के चीफ ट्रेडोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दुनिया भर में फैलते मंकी पॉक्स के प्रकोप के मद्देनजर मैंने इमरजेंसी कमेटी का दोबारा से गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम मानदंड को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्रकोप को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को सरल भाषा में समझें तो दुनिया भर में मंकी पॉक्स की वजह से आपात स्थिति पैदा हो गई है। 2 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब WHO ने किसी बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी में रखा हो। इससे पहले कोरोना के चलते हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई 2022 तक मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केस स्पेन में है। साथ ही दुनिया भर में 11 देश ऐसे हैं जहां मंकी पॉक्स के 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि संक्रमित लोगों को सरकार की तरफ से क्या सलाह दी गई है। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण हैं या संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी के लोगों से ऐसे मरीजों को नहीं मिलना चाहिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।